नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो बैच है ये आपके लिए स्पेशल आरपीएफ और एसआई का बैच है। इस बैच के अंदर अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो पीछे आपके एग्ज़ाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी सोल्व करते चलते हैं। इस बैच के अंदर अपना मेन टारगेट रहेगा बेसिक पे। अपना मेन टारगेट किस पे रहेगा? बेसिक पे। बेसिक क्लियर करने का आपको फ़ायदा ये होगा, आप अगर और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आएगी, अगर आपने किसी भी टॉपिक को बेसिक से क्लियर कर लिया तो उसको आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई? अगर आपका बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन किसी प्रकार से आ जाए, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर दी जाए या कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो आपके आसानी से उसको सोल्व कर पाओगे। बात समझ में आ गई? तो अपने इस बैच के अंदर बिल्कुल बेसिक से करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्ज़ाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको सोल्व करते चलेंगे। और बात रही शॉर्ट ट्रिक की, तो शॉर्ट ट्रिक लगाने की भी कोशिश करेंगे। जिन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक लगने की संभावना रहेगी उसमें शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको अगर बेसिक से आपने सोल्व किया तो समय उसमें काफ़ी लगता है, तो ऐसे क्वेश्चनों में अपन क्या शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे। बात समझ में आ गई? देखो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 1/3 अनुपात है 1/2 हो तो ए अनुपात बी होगा। आपको क्या ज्ञात करना है? ए अनुपात बी ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई? इस प्रकार के क्वेश्चन भी आए थे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। हाँ भाई, आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हो, जो क्वेश्चन मैं बोलूँ आपको सोल्व करना हो तो उस क्वेश्चन को सोल्व किया करो, और जो भी आपके आंसर आ रहे हैं वो कमेंट किया करो। ये तो है नहीं कि आपने आंसर गलत बड़ा बता दिए तो मैं फ़ोन में घुस के आपको क्या पीटूंगा, ये बात तो है नहीं। बात समझ में आ गई? तो कमेंट करने में दिक्कत क्या हुई आपके? कमेंट करके बताया करो ताकि मेरे को पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और आपको नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा पूछ लिया करो। बात समझ में आ गई? लेकिन मैन क्या है, आपको समझना है। बात समझ में आ गई? अगर आपका टारगेट 35 में से 35 क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको क्या करना होगा? जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ना होगा, साथ साथ में आपको नोट्स बनाने होंगे और क्या करना होगा, उसका रिवीजन करना होगा। बात समझ में आ गई? और जो भी मैं बोलूँ ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश क्या करो। अभी देखो कितने बच्चे हैं, फिर भी किसी का जवाब नहीं आया। क्या दे रखा है? ए अनुपात बी बराबर 1/3 अनुपात 1/2 हो तो ए अनुपात बी होगा। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन है तो कमेंट करो। देखे डरो मत, कमेंट करो आंसर क्या रहे हैं आपके। एक बात और बता दूं, ये बैच है ये आपका YouTube पे बिल्कुल फ्री बैच रहेगा, कंप्लीट आपको कोर्स करवाया जाएगा और ये बैच कंप्लीट होने के बाद में अपने स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो अगर आपने ये बैच कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस सेट पूरे कर लिए तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी, आपको दोबारा मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई? तो बार बार क्यों पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ लो अच्छे से ताकि आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। आगे और भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्या दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पढ़नी नहीं चाहिए। अपन क्या है इस बैच के अंदर बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। देखो क्या दे रखा है, ए अनुपात बी क्या दे रखा आपको, 1/3 अनुपात 1/2 ये दे रखा। बात समझ में आ गई? अगर ऊपर दोनों में क्या है, एक है, दोनों में क्या है, एक एक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपको क्या पूछा है, ए अनुपात बी बराबर आ जाएगा, ए का मान क्या आ जाएगा 2 और बी का मान क्या आ जाएगा 3। बात समझ में आ गई? तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या रहेगा, 2/3 ये क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई? अगर क्या हो, ऊपर एक हो, अगर एक ऊपर नहीं हो, ऊपर कोई और संख्या हो तब क्या करेंगे? ये किस प्रकार से आया ये भी मैं आपको बताऊंगा, अगला क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन आ जाए दूसरी टाइप का, ए अनुपात बी बराबर 2/3 अनुपात 1/2 हो तो ए अनुपात बी होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन क्या है, सीधा मान नहीं लिखेंगे कि ए का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बी का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों नहीं लिखेंगे? यहाँ पे क्या है, ऊपर 2 आ रहा। बात समझ में आ गई? अगर ऊपर दोनों में क्या है, एक एक है, दोनों में क्या ऊपर एक एक है, तो सीधा मान क्या जाएगा, ए का मान आ गया आपके पास 2 और बी का मान आपका क्या गया, 3। तो अनुपात क्या रहेगा,
तीन, 2:3 बात समझ में आ गई। ये किस प्रकार से आया इसके अपन बात कर लेते हैं। आपको क्या दे रखा है ए अनुपात बी, इसका मान क्या दे रखा है 1/3:1/2। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, देखो कोई ऐसी संख्या लेंगे या इनका एलसीएम ले लें या फिर ऐसी संख्या लेंगे जिसका क्या दोनों आ रहा हो। बात समझ में आ गई। तो ऐसी संख्या क्या है 6 है, या इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन, क्या आ गया 6 आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखो 3 का भाग कितने बढ़ जाता है 2 पर, तो 2 एकम कितने हो गए 2 हो गए। यहाँ पे क्या आ जाएगा अनुपात, 2 का भाग कितने बढ़ जाता है 3 बार, तो आपका क्या आ जाएगा 2:3। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। एक तरीका तो ये होगा आपका आंसर, देखो यही होगा ना 2:3। दूसरा तरीका क्या रहेगा, दूसरे तरीके की बात करें, आपको क्या दे रखा है ए अनुपात बी, बट्टे में क्या दे रखा है 1/3:1/2। तो कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसका, जिस संख्या में दोनों का, दोनों संख्या होगा भाग चला जाएगा किसका 3 का और 2 का। तो ऐसी संख्या क्या है 6 है, तो इसको गुणा कर देंगे 6 से, इसको गुणा करेंगे 6 से। 3 एकम 3, 3 दून कितने हो गए 6, 2 एकम 2, 2 3 कितने हो गए 6। तो ए अनुपात बी, इधर क्या बचा 2 बचा और इधर क्या बचा 3 बचा, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। लेकिन सीधा सीधा आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और ऊपर क्या दे रखा हो 1 दे रखा हो, दोनों में क्या क्या दे, दोनों में क्या दे रखा है 1 दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का आंसर क्या हो गया 2 हो गया और बी का आंसर क्या हो गया 3। तो ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। ये क्वेश्चन अलग क्यों है, क्योंकि इसमें ऊपर क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो ये थोड़ा सा अलग है। ये किस टाइप से होगा, इसको जैसे इस तरीके से आप करने की कोशिश करो, बात समझ में आ गई, या फिर इस तरीके से। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो आप लोग, बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी आगे मैं बात करूँगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, और क्या क्या आंसर आ रहे हैं वो आंसर आप कमेंट में कर लिखते जाओ भाई। चलो अपन बात कर लेते हैं, क्या दे रखा है आपको ए अनुपात बी, इसका मान दे रखा 2:3:1/2। अब देखो ऐसी संख्या लेंगे जिसका, जिस संख्या के अंदर इन दोनों का भाग चला जाए किसका 3 का और 2 का। तो ऐसी संख्या क्या हो गई, देखो नीचे लिख लेते हैं 2/3 गुणा क्या होगा 6 अनुपात, और इसको भी गुणा किससे करेंगे, इसको भी गुणा कर देंगे 6 से। 6 के अंदर दोनों संख्या होगा भाग जा रहा है, 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा और 6 के अंदर कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 का भाग 2 में एक बार गया और 6 में कितनी बार गया 3 बार, तो ये कितने हो गए 4 हो गए। 2 × 2 बराबर क्या हो गया 4, और ये क्या गया 3, तो आपका आंसर क्या आ गया 4:3। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। तो अगर ऊपर संख्या 2 नहीं हो तो आपको क्या करना होगा, इस प्रकार से सोल्व करना होगा। इस तरीके से नहीं सोल्व करो तो आप क्या एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो, क्या दे रखा 2:3:1/2, इसका एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया, 6 आ गया, 6 का देखो ये कितना हो गया, 3 का भाग 6 में कितनी बार जाता है 2 बार, तो 2 को गुणा करेंगे 2 से, तो कितना आ गया 4 आ गया, अनुपात में देखो क्या आ गया 3 पर भाग जाता है, तो 3 एकम 3, तो आपका क्या आ गया 4:3। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। जो तरीका आपको अच्छा लगे उसकी सहायता से आप सोल्व कर सकते हो। पहला तरीका, पहला क्वेश्चन क्या था ए अनुपात बी, इन दोनों में थोड़ा सा क्या है अलग अलग टाइप के हैं दोनों ही, इसमें क्या दे रखा है दोनों संख्याओं में क्या दे रखा है ऊपर दे रखा 1, दोनों में क्या दे रखा है 1/3 और 1/3, अगर दोनों में ऊपर 1 है तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा ए का मान हो जाएगा कौन सा 2 और बी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा 2:3। इस प्रकार से आपको सोल्व कर लेना। अगर ये आपको याद नहीं रहे कि किसका मान किस प्रकार से है तो कैसे करोगे, ए के नीचे अपने लिखा ए का मान 1/3 और बी के नीचे मान लिखा 1/2। अब देखो इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आया 6, 3 में देखो भाग कितनी बार भाग जाएगा 2 बार, तो 2 को गुणा करेंगे 1 से, क्या गया 2 आ गया, यहाँ पे क्या गया 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। या फिर ऐसी संख्या देखो जिस संख्या का 3 में और 2 में दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाए, तो ऐसी संख्या अपन ने क्या देखी 6, 6 के अंदर 3 का भाग भी जाता है 2 का भी,
तो अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे छः से। इसको गुणा करेंगे किससे, यहीं पे कर देंगे छः से। तीन का भाग तीन में एक बार जाएगा, छः में कितनी बार गया, दो बार। तीन का भाग देखो, दो का भाग दो में एक बार जाएगा, छः में कितनी बार जाएगा, तीन बार। तो आपके पास क्या आ गया, 2:3। बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन क्या था, ए अनुपात बी बराबर, ये क्या है, 2:3:1:2 हो तो ए अनुपात बी होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका मान लिखा, सबसे पहले ए का मान लिख दिया, ए के नीचे बी, के नीचे बी का मान लिखा, इनका क्या ले लिया, या तो आप एलसीएम ले लो, या फिर सीधा क्या ऐसी संख्या देखो जिसमें ये दोनों जो हर हैं, दोनों संख्याओं के क्या है, तो दोनों संख्याओं के एस हर का क्या है, पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या अपन ने क्या देखी, 6 देखी। 6 के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है और 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। बात समझ में आ गई। तो इसको देखो सोल्व किया तो अपने पास क्या आ गया, 4 आ गया। इसको सोल्व किया तो अपने पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो अनुपात क्या हो गया, ए अनुपात बी का मान क्या हो गया, 4:3 हो गया। इसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। बात समझ में आ गई। एलसीएम इनका कितना आ गया, 6 आ गया। तो देखो कितनी बार भाग जाता है, 6 के अंदर 3 का 2 बार जाता है। 2 को गुणा किया 2 से तो कितना आ गया, 4 आ गया। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 3 बार। 3 को गुणा किया 1 से तो क्या आ गया, 3। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4:3। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है। अब तो आ गया होगा समझ में, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करो। अगर आपके समझ में आ गया तो यस लिखो, अगर नहीं समझ में आया तो नो लिख सकते हो। बात समझ में आ गई तो एक बार दोबारा और समझा दूंगा, लेकिन आपकी समझ में आ गया होगा, 3 बार समझा दिया मैंने। तो चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। चलो ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, तो ऑप्शन बता सकते हो आप, क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा बताओ देखे मेरे को। 6:4:3, ऑप्शन बी की बात करें तो 2:3:4, ऑप्शन सी की बात करें 4:3:2 हो जाएगा, ऑप्शन अपन डी की बात करें तो क्या हो जाएगा, 3:4:6। तो बताओ देखिए आपका आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन डी सही है। आपको पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या दे रखा है, 1:2:1:3:1:4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा। तो चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, छोटे छोटे क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पता ही एग्जाम में आते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो। साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको आप लोग साथ साथ में सॉल्व किया करो भाई, जिससे आपको पता चले जो अपन ने टॉपिक पढ़ा उससे कितना आपके समझ में आ रहा है। अगर आपके नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके दोबारा पूछो, बार बार आपको यही बोल रहा हूँ मैं। हाँ भाई मेन चीज़ तो भूल गए, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्र हैं उनको भी शेयर कर दें। चलो तो आपका आंसर क्या आ रहा है कमेंट करो, अभी तक किसी का कमेंट है नहीं आया मेरे पास। चलो अपन बात कर लेते हैं, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि ऊपर एक दिखे तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ए का इस साइड वाला बी का इस साइड में, लेकिन ये इसमें काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसमें कितनी है, 3 है। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, कुछ लोगों ने कर दिया होगा आंसर, ये कर दिया होगा 1:2:3:4, लेकिन ये क्या गलत आंसर, राइट आंसर क्या होगा उसके अपन बातें कर लेते हैं। बात समझ में आ गई, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या दे रखा है, 1:2:1:3:1:4। बात समझ में आ गई। अब देखो एक तरीका तो आपका क्या रहेगा, आप एलसीएम की सहायता से कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, एलसीएम की सहायता से कर सकते हो एलसीएम। और दूसरा तरीका क्या रहेगा, कोई ऐसी संख्या मानो जिसका पूरा पूरा भाग चला जाए। और तीसरा तरीका क्या है, वो सबसे ईजी तरीका है, वो अपन सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे। बात समझ में आ गई, तीसरे तरीके से तो आप कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, सीधा सीधा आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, तो चलो अपन बात कर लेते हैं।
पहला एलसीएम की सहायता से कर सकते हैं। एलसीएम इतना इसका कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 के अंदर देखो दो का भाग कितनी बढ़ जाता है, 6 बार 6 को गुणा करेंगे 1 से, तो क्या आ गया 6। अनुपात 3 का भाग कितनी बढ़ जाता है, 12 में 4 बार 4 को गुणा करेंगे 1 से, तो क्या आ गया 4। अनुपात में क्या आ जाएगा, 4 का भाग कितनी बढ़ जाता है, 3 बार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6:4:3। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, मात्र 10 सेकेंड का आपका आंसर है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर। बात समझ में आ गई, पहला तरीका तो आपका क्या होगा, ये होगा। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, पहला तरीका आपका ये होगा, दूसरा तरीका मैंने बताया था, ये संख्या दे रखी है 1/2 1/3 1/4। तो इसको ऐसी संख्या से गुणा करो जिस संख्या के अंदर जो हर हैं उन हर का क्या पूरा पूरा भाग चला जाए। हर क्या क्या, 2 है 3 है 4 है, तो ऐसी संख्या क्या होगी, 12 होगी। तो इनको अपन क्या 12 से गुणा करेंगे, यहीं पे गुणा 12, सभी को गुणा 12 गुणा 12। अब देखो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 1 बार जाएगा, और 12 में कितनी बार गया, 6 बार। 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 12 में कितनी बार गया, 4 बार। 4 का भाग 4 में 1 बार, और 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो आपके पास क्या बच गया, 6:4:3। तो आपका आंसर क्या हो गया, 6:4:3। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। तो दूसरा तरीका क्या हो गया आपका, ये हो गया, आप इसकी सहायता से भी कर सकते हो। तीसरा तरीका क्या हो रहेगा, जो सबसे इजी तरीका है उसकी अपन बात करेंगे, 1:2 1:3 और 1:4। बात समझ में आ गई। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा जाए a:b:c बराबर क्या होगा, तो किस प्रकार से करेंगे, जिस संख्या का मान लिखेंगे अपन, नीचे क्या लिखा, ए बी और ये क्या है सी, ये ए बी सी के मान ही तो हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो आपको ए का मान ज्ञात करना, तो ए की संख्या को लेकर छुपा लेंगे और इन दोनों क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 और 4 कितने हो गए, 12 हो गए। फिर बी का मान आपको निकालना, तो बी को अपन ने क्या छुपा लिया, बाकी दो जो बच्चे 2 a और c इसको गुणा कर दिया, 2 दूनी कितने हो गए, 4 दूनी कितने हो गए, 8:8। फिर अपने को सी का मान चाहिए, सी को छुपा लिया, आपके पास बाकी क्या बचा, ए और बी, ए बी का क्या है 2 गुणा 3, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखो किसी संख्या से कट रहा है क्या, किसी संख्या से ये संख्या कट रही है, कट रही है किससे, 2 से। तो 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और 8 के अंदर कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 6 के अंदर कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया, 6:4:3। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसकी सहायता से आप सोल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो किस प्रकार से सोल्व किया, क्वेश्चन क्या दे रखा, a:b:c बराबर दे रखा, 1:2 1:3 1:4 हो तो a:b:c होगा, ये आपसे पूछा। बात समझ में आ गई। तो किस इसको देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, सबसे पहले अपन ने क्या लिया, इस जो संख्या लिखी a:b:c का मान लिखा, फिर अपन ने क्या ले लिया, एलसीएम आपका कितना आ गया, 12 आ गया। फिर 12 एलसीएम लेने से आपके पास क्या आ गया, 6:4:3। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि कोई ऐसी संख्या देखेंगे जिस संख्या के अंदर जो हर हैं, हर कौन से हैं, 2 है 3 है 4, इनका पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या क्या थी, 12 थी। तो 12 से अपन ने क्या कर दिया, इन सभी को गुणा कर दिया। बात समझ में आ गई। 12 से गुणा करने के बाद में इसको सोल्व किया, 6:4:3। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई आपके। तीसरा तरीका अपना क्या था, a:b:c का मान अपन ने मान लिख लिया, और आप चाहो तो यहीं सीधा कर लेना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सीधा करोगे, तो जैसे आपको a का मान चाहिए तो a को छुपा लिया, इन दोनों को गुणा कर दिया, 3 चौके कितने हो गए, 12। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 12 लिखोगे। बात समझ में आ गई, यहाँ पे क्या लिखा, 12 लिखा। फिर अब आपको चाहिए b का मान, b को छुपा लिया, इन दोनों को क्या कर दिया, गुणा। तो 4 दूनी कितने हो गए, 8 हो गए। फिर यहाँ पे आपको चाहिए c का मान, तो c को छुपाने के बाद में आपके पास क्या बच गया, 2 और 3, 2 और 3 को गुणा किया तो क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखो कोई ऐसी संख्या आ गया जिसका इन तीनों के अंदर भाग चला जाए, तो ऐसी संख्या अपने पास क्या है, 2 है। 2 का भाग देखो सभी में जाता है, 12 में कितनी बार गया, 6 बार गया, 8 में कितनी बार गया, 4 बार गया, और 6 में कितनी बार गया, 3 बार। तो आपका आंसर क्या आ गया, 6:4:3।
ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है वो आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई, तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे अपन। हाँ भाई, समझ में तो आ रहा है ना क्वेश्चन? देखो मैं तो एकदम बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहा हूँ, और जो तरीके हैं मेरे पास वो सभी तरीके बता रहा हूँ। बात समझ में आ गई, तरीके और भी हैं लेकिन जो आपके अच्छे रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे और आपके आसानी से समझ में आ जाए बेसिक से, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फालतू की चीज़ों की अपन बातें नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई, इस टाइप से सभी क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। जैसे कितने भी टाइप के क्वेश्चन हो, सभी टाइप के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपके सोल्व हो जाएंगे। बात समझ में आ गई अच्छे अच्छे तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 1/4 / 1/3 / 1/6 हो तो ए बी सी का मान होगा। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और सोल्व करके कमेंट करना है भाई। आज अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मैं भी इसको सोल्व नहीं करूँगा। बात समझ में आ गई, चलो तो फटाफट सोल्व करने की कोशिश किया करो आप लोग। क्या दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 1/4 / 1/3 / 1/6 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। चलो अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे, आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा ये तो मेरे को पता ही है, आप करोगे नहीं। बात समझ में आ गई, और कर भी लेते हो तो फिर आंसर कमेंट नहीं करते हो आप। चलो तो करते हैं सोल्व करते हैं इसको। आपको मैंने बताया था जो तरीका आपको अच्छा लगे उसकी सहायता से आप सोल्व कर सकते हो। ए अनुपात बी अनुपात सी इसका मान दे रखा है 1/4 / 1/3 / 1/6। पहला तरीका क्या, आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम आ गया इसका 12 आ गया। बात समझ में आ गई, अब देखो 12 के अंदर 4 का भाग कितने बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाता है। 3 का कितने बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, और 6 का कितने बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, आपका आंसर क्या होगा, 3/4 / 2। बात समझ में आ गई, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ पे दे रखा है 1/4 / 1/3 / 1/6। ऐसी संख्या का भाग देंगे, ऐसी संख्या से सॉरी गुणा करेंगे जिसके अंदर जो आपके हर हैं, हर क्या है, 4 है 3 है 6 है, इन सभी का क्या है, पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या अपन ने क्या देखी, 12। 12 के अंदर देखो इन तीनों का क्या है, पूरा पूरा भाग जाता है। 6 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। 3 का भाग कितनी बार गया, 4 बार। और 4 का भाग कितनी बार गया, 3 बार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3/4/2। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, बताओ दिक्कत है या किसी प्रकार की। तीसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, यही कर लेते हैं। अगर आपको ए का मान चाहिए तो ए को छुपा लिया, इन दोनों क्या कर दिया, गुणा। तो 6 + 3 कितने हो गए, 18 हो गए अनुपात। फिर बी का मान चाहिए, बी को छुपा लिया, बाकी क्या बचे, 6 + 4 कितने हो गए, 24 हो गए। तो बी का मान कितना आ गया, 24 आ गया। फिर अपन ने क्या, सी को छुपा लिया, सी का मान चाहिए तो सी को छुपा लिया। तो 4 + 3 कितने हो गए, 12 हो गए। अब देखो इसके अंदर भाग देते हैं, 6 / 18 के अंदर कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 24 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और 12 के अंदर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3/4/2। बात समझ में आ गई, तो ये क्या हो गया, आपका तीसरा तरीका। पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, और तीसरा तरीका तो सबसे लंबा तरीका है, तीसरा तरीका हो गया ये। बात समझ में आ गई, तो जो तरीका आपको पसंद आए उसकी सहायता से आप सोल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन मात्र 10-15 सेकंड के क्या हैं, आपके आंसर हैं। बात समझ में आ गई होगी, और ये तो आपने देखा भी होगा। अब मैंने बेसिक से बता दिया आपको, 3 तरीके बताए हैं,
लेकिन आपको जो तरीका आपको पसंद आए उसकी सहायता से आप सोल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई, तो चलो नोट डाउन करो, फिर कल अपन करेंगे जो इस पे, जो ये मैंने आपको बताया है इस टाइप के क्वेश्चन, इस पे आधारित जो पीछे एग्ज़ाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए कल उनको अपन सोल्व करेंगे। बात समझ में आ गई, तो आज भाई इनको अच्छे से ढंग से पढ़ के आना है, और नहीं समझ में आए तो एक बार क्लास दोबारा देख लेनी। बात समझ में आ गई, तो चलो इसको करो नोट डाउन। आज के लिए करेंगे अपन इतना ही, बाकी चर्चा करते हैं कल। अगर आप YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्र हैं उनको भी शेयर कर दें। धन्यवाद।